माता लक्ष्मी के अनुसार मंदिर में हमेशा तांबे का लोटा रखना शुभ माना जाता है। तांबा पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। ये लोटा विशेष रूप से पूजा के दौरान जल अर्पण करने और पवित्र कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। इसे मंदिर में रखने से घर में समृद्धि, शांति और धन की वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी ने मंदिर में तांबे का लोटा रखने के 50 कारण बताए जो समृद्धि, शांति और शुभता को आकर्षित करते हैं। 1. शुद्धता का प्रतीक। तांबा पवित्रता का प्रतीक है जो मंदिर में शुद्धता बनाए रखता है। 2. धन की वृद्धि। तांबे का लोटा रखने से घर में धन और समृद्धि बढ़ती है। 3. स्वास्थ्य लाभ। तांबा पानी को शुद्ध करता है जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। 4. सकारात्मक ऊर्जा। तांबे का लोटा मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। 5. धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में तांबा धार्मिक कार्यों में उपयोगी है। 6. माता लक्ष्मी की कृपा। तांबे का लोटा माता लक्ष्मी को प्रिय है जिससे उनकी कृपा प्राप्त होती है। 7. वास्तु दोष निवारण। तांबे का लोटा घर में वास्तु दोषों को दूर करता है। 8. जल की शुद्धि। तांबा जल को शुद्ध करता है जो पूजा के लिए उपयुक्त होता है। 9. मानसिक शांति। तांबे का लोटा मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। 10. सुख समृद्धि। तांबे का लोटा घर में सुख और समृद्धि लाता है। 11. आध्यात्मिक उन्नति। तांबे का लोटा आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। 12. सकारात्मक विचार। ये सकारात्मक विचारों का संचार करता है। 13. दीर्घायु का प्रतीक। तांबे का लोटा दीर्घायु का प्रतीक है। 14. स्वास्थ्य और आरोग्यता। तांबे का लोटा स्वास्थ्य और आरोग्यता को बढ़ाता है। 15. ध्यान केंद्रित करने में सहायक। तांबे का लोटा ध्यान और ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है। 16. संतुलन बनाए रखना। तांबे का लोटा जीवन में संतुलन बनाए रखता है। 17. सकारात्मक परिवर्तन। तांबे का लोटा जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। 18. परिवार की खुशहाली। तांबे का लोटा परिवार की खुशहाली में योगदान देता है। 19. रोगों से मुक्ति। तांबे का लोटा रोगों से मुक्ति दिलाने में सहायक है। 20. संतोष। तांबे का लोटा संतोष की भावना को बढ़ाता है। 21. शांति और धैर्य। तांबे का लोटा शांति और धैर्य प्रदान करता है। 22. सफलता का प्रतीक। तांबे का लोटा सफलता का प्रतीक माना जाता है। 23. धार्मिक कृत्यों में सहायक। तांबे का लोटा धार्मिक कृत्यों को सफल बनाने में सहायक होता है। 24. विनम्रता और दया। तांबे का लोटा विनम्रता और दया को बढ़ाता है। 25. संपत्ति की रक्षा। तांबे का लोटा संपत्ति की रक्षा करता है। 26. शक्ति और साहस। तांबे का लोटा शक्ति और साहस का प्रतीक है। 27. समाज में मान सम्मान। तांबे का लोटा समाज में मान सम्मान बढ़ाता है। 28. धन्यवाद और कृतज्ञता। तांबे का लोटा कृतज्ञता की भावना को प्रकट करता है। 29. सत्यता का प्रतीक। तांबे का लोटा सत्यता और ईमानदारी का प्रतीक है। 30. ध्यान और साधना में सहायता। तांबे का लोटा ध्यान और साधना में सहायता करता है। 31. परिवार की सुरक्षा। तांबे का लोटा परिवार की सुरक्षा करता है। 32. सकारात्मक विचारों का प्रसार। तांबे का लोटा सकारात्मक विचारों का प्रसार करता है। 33. धन और संपत्ति की वृद्धि। तांबे का लोटा धन और संपत्ति की वृद्धि करता है। 34. परिवार में प्रेम और सौहार्द। तांबे का लोटा परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ाता है। 35. शुभता का प्रतीक। तांबे का लोटा शुभता का प्रतीक माना जाता है। 36. अशुभता का नाश। तांबे का लोटा अशुभता का नाश करता है। 37. संतोष और शांति। तांबे का लोटा संतोष और शांति प्रदान करता है। 38. विवाह में सफलता। तांबे का लोटा विवाह में सफलता दिलाने में सहायक होता है। 39. बुरी नजर से बचाव। तांबे का लोटा बुरी नजर से बचाव करता है। 40. शुद्धता बनाए रखना। तांबे का लोटा शुद्धता बनाए रखने में सहायक होता है। 41. सफलता की प्राप्ति। तांबे का लोटा जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। 42. धन की रक्षा। तांबे का लोटा धन की रक्षा करता है। 43. बुराइयों का नाश। तांबे का लोटा बुराइयों का नाश करता है। 44. आत्मविश्वास। तांबे का लोटा आत्मविश्वास बढ़ाता है। 45. आरोग्य और दीर्घायु। तांबे का लोटा आरोग्य और दीर्घायु प्रदान करता है। 46. सकारात्मक विचारों का संचार। तांबे का लोटा सकारात्मक विचारों का संचार करता है। 47. माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तु। तांबे का लोटा माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तु है। 48. संतोष और प्रसन्नता।
तांबे का लोटा संतोष और प्रसन्नता लाता है। 49. संतुलित जीवन। तांबे का लोटा जीवन में संतुलन बनाए रखता है। 50. धन धान्य की वृद्धि। तांबे का लोटा धन धान्य की वृद्धि करता है। ये सभी कारण तांबे का लोटा मंदिर में रखने की महत्ता को दर्शाते हैं और इसे शुभ माना जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में शिवनंद नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था और दोनों पति पत्नी बहुत ही धार्मिक और ईश्वर भक्त थे। उनका जीवन सादगी से भरा हुआ था और वे हर रोज भगवान की पूजा अर्चना करते थे। शिवनंदन के पास अधिक धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास एक अद्भुत तांबे का लोटा था जिसे उसने अपनी माँ से विरासत में पाया था। ये लोटा उनके परिवार की सबसे बड़ी धरोहर थी और इसे वे बहुत संभाल कर रखते थे। शिवनंदन हर रोज उस लोटे का उपयोग मंदिर में पूजा के समय करते थे। वह इस लोटे से भगवान को जल अर्पण करता और फिर उसी जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि वे एक महान संत हैं और ईश्वर की विशेष कृपा से लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। गांव वाले उनके प्रवचन सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए और उनकी सेवा करने लगे। साधु महाराज ने गांव वालों से कहा कि यदि वे उनके लिए कुछ विशेष वस्त्र, आभूषण और धातु के बर्तन लाएंगे तो वे उनके लिए विशेष पूजा करेंगे और उन्हें अपार संपत्ति और समृद्धि प्राप्त होगी। शिवनंदन ने साधु महाराज की बातों पर विश्वास किया और सोचा कि यह उनके गरीबी से छुटकारा पाने का एक सुनहरा अवसर है। उसने अपने घर में मौजूद सबसे कीमती वस्तु तांबे का लोटा साधु महाराज को दान करने का निर्णय लिया। सुशीला ने अपने पति को समझाने की कोशिश की कि यह लोटा उनके परिवार के लिए शुभ है और इसे दान नहीं करना चाहिए, लेकिन शिवनंदन साधु महाराज के वचनों से प्रभावित होकर अड़ गया। शिवनंदन ने तांबे का लोटा साधु महाराज को दान कर दिया और उनसे आशीर्वाद की उम्मीद की। साधु महाराज ने वह लोटा लिया और कहा, अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशहाली आएगी। लेकिन साधु महाराज ने जैसे ही लोटे को छुआ, वह अचानक गायब हो गया। शिवनंदन और गांव वाले चौंक गए। साधु महाराज ने हंसते हुए कहा, यह लोटा साधारण नहीं था, यह माता लक्ष्मी का प्रतीक था। तुमने इसे लोभ और समृद्धि की आशा में दान कर दिया, लेकिन सच्ची समृद्धि का मार्ग भक्ति और संतोष में है। शिवनंदन ने अपनी गलती को समझा और साधु महाराज से क्षमा मांगी। साधु महाराज ने शिवनंदन को आशीर्वाद दिया और कहा, अब भी समय है, अपनी भक्ति और सादगी को मत छोड़ो। भगवान तुम्हारे घर को फिर से धन धान्य से भर देंगे, लेकिन ये याद रखो कि सच्ची समृद्धि मन की शांति और भगवान में आस्था से आती है। इसके बाद शिवनंदन और सुशीला ने फिर से अपनी साधारण जीवन शैली को अपनाया और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। कुछ समय बाद उनके जीवन में चमत्कारिक रूप से धन और सुख समृद्धि वापस आ गई। उन्हें समझा गया कि तांबे का लोटा केवल एक प्रतीक था और सच्चा धन भगवान की भक्ति और संतोष में ही निहित है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बाहरी वस्त्रों और आभूषणों से सच्ची समृद्धि नहीं मिलती, बल्कि सच्ची समृद्धि भगवान में आस्था और भक्ति से ही प्राप्त होती है।